हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ना आलू उबालना ना साबूदाना भिगोना, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये व्रत वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर यूनिक और नई वीडियो आपको फटाफट से जल्दी से मिलती रहे। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, और ये काला ना पड़ जाए इसलिए इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डाल के अच्छे से धुल लेंगे एक दो बार, जिससे कि इसका और भी बचा हुआ स्टार्च निकल जाए। इस तरीके से स्टेनर में रख करके हम इसे छोड़ देंगे, तब तक अगला प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ पर एक टॉवल या कपड़े को बिछा लेंगे और यहाँ पे आधा कप के करीब हमने साबूदाना लिया है, नॉर्मल साबूदाना, आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं। तो यहाँ पे साबूदाना को हम अच्छे से पोंछ लेंगे क्योंकि हम साबूदाना को धुल नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर एक पैन को चढ़ाएंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हो जाने के बाद इसे अलग एक थाली में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे ग्राइंडर जार में डाल के हम इसे चला लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर फाइन पाउडर नहीं होता है, थोड़ा सा दरदरा भी है तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए ग्राइंड हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। दरदरा सा ही है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है मैंने। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, बाउल में, और इसमें हम वही आलू डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा। दोनों चीज़ को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद में हम इसमें और मसाले डालेंगे जो व्रत में खाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से जो भी आप नहीं खाते व्रत में उसे हटा दीजिएगा। ये सेंधा नमक मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार, ग्रेटेड अदरक है 1 इंच के लगभग, इसको भी डाल देंगे। यहाँ पे हरी मिर्च भी है और करी पत्ता भी है। हरी मिर्च थोड़ा बच्चे घर में होते हैं तो कम डालते हैं, और ये आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अनुसार हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। करी पत्ता डाल दिया और भुना हुआ जीरा डाल दिया। साथ में और ज़्यादा फ्लेवर के लिए आधा नींबू का रस हमने डाल दिया। आप अगर व्रत में नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। काली मिर्च भी हमने आधा छोटा चम्मच डाल दी है, और साथ में इसमें पानी डाल के हम एक बैटर तैयार करेंगे। थिक बैटर बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर पे ध्यान दीजिएगा। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो हमारी डिश नहीं बन पाएगी, और थिक रह गया तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमें। देखिए इस कंसिस्टेंसी में बैटर को रखना है। अब हम इसको अपने मन चाहे शेप में पैन में डाल लेंगे। पैन जो है मीडियम फ्लेम पर है, इसमें हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। आप घी खाते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद कर देंगे, लगभग 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। अगर पलटने वाला हुआ है, थोड़ा सा नीचे से सख्त हो गया है, तो हम इसे पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से हो गया है, दूसरे साइड में भी हम इसको लिड लगा के 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। 2-3 मिनट बाद हम इसको पलट पलट के दोनों साइड से पका लेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत यूनिक और सच मानिएगा तो बहुत टेस्टी डिश ये बन के तैयार होती है। व्रत में तो वैसे भी बहुत चटपटा खाने का, थोड़ा सा चटपटा तीखा सा खाने का मन करता है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी बात मानिएगा, बहुत ही मतलब डिलीशियस रेसिपी बन के तैयार होती है। बहुत स्वादिष्ट लगती है ये रेसिपी, क्योंकि इसमें सिर्फ आलू और साबूदाना है, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ा आता है। दूसरा वाला बैटर भी मैंने डाल दिया, उसको भी ऐसे जैसे पिज्ज़ा का शेप नहीं होता है वैसा देके मैंने इसको आकार दे लिया है। इसको भी बंद करके पकाएंगे दोनों साइड से। जब हो जाएगा तो हम अलट पलट के दोनों साइड से इसको पका लेंगे। और फ्रेंड्स, जितना मैंने इसमें मटेरियल डाला है उसके अतिरिक्त भी आप अगर धनिया पत्ता भी खाते हैं, मतलब धनिया भी यूज करते हैं, कोरिएंडर ग्रीन वाली, तो वो भी इसमें कट करके डाल सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और जो मसाले आप नहीं खाते उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिना मसालों के भी खाली नमक के साथ खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये देखिए दोनों स्लाइस मेरी बन के है तैयार, है ना, बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता। इसको हम कर्ड के साथ, दही के साथ खाएंगे, या आप चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं, थोड़ा सा फ्रूट भी रखेंगे। तो देखिए, है ना, बिल्कुल जो व्रत भी ना हो उसे भी खाने का मन कर जाएगा। तो ये वाली डिश आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वाली हमारी डिश आज की आपको कैसे लगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बढ़िया सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका मुंह में। और एकदम आलू ग्रेट किया हुआ है तो पिज्ज़ा जैसा इसका कटलेट आ रहा है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ऐसी ही रेसिपीज़ आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Я дикая Кассандра, игривая бодра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верила Григориями. Это моя. Я дикая Кассандра, игривая бодра.